दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिद्वार। वैसे तो न्यूज चैनल्स में भक्ति काल 2014 के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन हाल के दिनों में इन दिनों में न्यूज चैनल्स को पहचानना मुश्किल है कि ये देश के न्यूज चैनल्स हैं या भक्ति चैनल है। सुबह से लेकर रात तक अखंड राम मंदिर कवरेज न्यूज चैनल्स में चलती रहती है। कई न्यूज चैनल तो राम ब्रेकिंग चला रहे हैं। ये हैरान करने वाला पत्रकारिता का दौर क्या किसी खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट है और न्यूज चैनल्स उसे हर हाल कवर करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिन रात भजन गायकों को बुलाकर इसकी कवरेज हो रही है, क्या इसके पीछे की खास रणनीति तो नहीं? इस पर आज चर्चा करेंगे हम। बहुत ही गहन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ एक बेहतरीन और बहुत ही न्यूज चैनल के जानकार जुड़े हुए हैं, दयाशंकर मिश्रा जी। दयाशंकर मिश्रा जी का एक बहुत लंबा अनुभव न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में कटा है। दोस्तों न्यूज रूम वो जगह होती है जहां से न्यूज चैनल में खबरें पकती हैं और तब जाकर एंकर के पास पहुंचती हैं और एंकर के जरिए आप तक पहुंचती हैं। दयाशंकर मिश्रा जी मुझसे काफी सीनियर हैं, लेकिन हाल के दिनों में कंट्रोवर्सी में तब आए थे जब न्यूज 18 इंडिया में अपनी नौकरी दयाशंकर मिश्रा जी को गंवानी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी पर एक किताब लिखी थी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। सर आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है टेलीविजन पे, ये जो प्रभु श्री राम अखंड ब्रेकिंग, राम मंदिर पर अखंड कवरेज, राम ब्रेकिंग, जिस तरह से न्यूज चैनल्स में अयोध्या में राम मंदिर की कवरेज हो रही है, क्या एक सही तरीका है? क्योंकि कवरेज तो होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट है, लेकिन तरीका सही है क्या? जी बहुत शुक्रिया मुझे इस बातचीत में बुलाने के लिए। और आपने जो सवाल उठाया है तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया, मैं कहता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया दो हिस्सों में बट गया है। एक वो चैनल हैं जो अपने आप को समाचार चैनल कहते हैं, न्यूज़ चैनल कहते हैं, और दूसरे आप जैसे जो साथी हैं जो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर एक बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आपने इसको इस तरह से देखा कि इसका कवरेज कैसे होना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि ये एक इवेंट है, एक घटना है और उसका कवरेज होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा कवरेज नहीं होना चाहिए जैसा अभी चल रहा है, जहां पर हमें दिखाया जा रहा है कि अयोध्या से अखंड कवरेज या इस तरीके की बातें कही जा रही हैं इस कवरेज के बहाने, जो सीधे तौर पर एक धर्म विशेष को बढ़ावा देती हैं। आपने जिस किताब का जिक्र किया वो किताब मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है और इस किताब में एक पूरा का पूरा चैप्टर है कुमकुम जी, जो सांप्रदायिकता पर है और जो मीडिया के बारे में विस्तार से बातचीत है। ये जो सांप्रदायिकता और मीडिया पर जो भी पाठक इस किताब को पढ़ेंगे, मीडिया इसका 7वां खंड है और सांप्रदायिकता इसका 4था खंड है, तो आप देखेंगे कि मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूं कि कैसे न्यूज़ रूम अब खुद से न्यूज़ रूम नहीं रह गए। अब न्यूज़ रूम में जो मैनेजिंग एडिटर हैं, जो एंकर हैं, वो ये तय नहीं कर रहे हैं कि अयोध्या का कवरेज कैसे होना चाहिए। यही कारण है कि अयोध्या का कवरेज सारे चैनल पर ध्यान से देखिए तो एक ही जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। रिपोर्टर अलग अलग हैं तो अलग अलग कवरेज होना चाहिए ना, लेकिन आप देखिए कि सिलसिलेवार तरीके से एक ही जैसा कवरेज सारी जगह चला रहे हैं। बस वो क्या बदल लेते हैं, कोई लिख रहा है प्रभु श्री राम ब्रेकिंग, कोई लिख रहा है अखंड कवरेज, कोई लिख रहा है मैं अयोध्या हूँ, कोई लिख रहा है अयोध्या की डायरी। तो ये एक चैनल की बात हो गई, लेकिन न्यूज चैनल जैसा ही असर हम देखते हैं कि अखबारों का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक खबर छपी कि विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान दिया कि दुनिया के 55 देशों में ये पूरा जो कार्यक्रम है अयोध्या का, ये देखा जाएगा। ये विश्व हिंदू परिषद का अनुमान है। विश्व हिंदू परिषद कोई ऐसी संस्था नहीं है ना जो अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, जिसको पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज से जोड़ा जाता हो, ना ही कोई सरकारी संस्था भी नहीं है ना। मान लीजिए सरकार की तरफ से बयान आता, ऑफिशियल बयान आया कि हम दिखाएंगे, आधिकारिक बयान सरकार जारी करती, इसके बयानों में कितना अंतर विरोध है। नंबर एक, चंपत राय ये बताते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको आना है किसको नहीं आना है। लाल कृष्ण अडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता को, जिन्होंने राम मंदिर, मैं कहता हूँ
मैं कहता हूँ उन्होंने एक धार्मिक अभियान चलाया और जिसके लिए एक तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाया, सांप्रदायिकता का ही मैं माहौल कहता हूँ उसको। लेकिन हाँ, यह है कि लालकृष्ण आडवाणी इस पूरे राम मंदिर के निर्माण के एक पुरोधा जैसे व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको आप कह देते हैं कि आपको नहीं आना है, आपको न्योता तो दिया है लेकिन आना नहीं है, ये कितनी अपमानजनक बात है। हम जानते हैं कि दलाई लामा की भी उम्र जो है वो लगभग 84 वर्ष के आसपास है, उनको आना है लेकिन आडवाणी को नहीं आना है, क्यों? और मुरली मनोहर जोशी को नहीं आना। तो नंबर एक बात की चंपत राय कौन है, नंबर दो बिहिप कौन है, क्या बिहिप कोई सरकारी संस्था है? नहीं। और बिहिप का ये बयान कल सभी जगह अलग अलग बाईलाइन छपा है, जैसे दैनिक जागरण ने बाईलाइन स्टोरी लगाई है और वही खबर इंडियन एक्सप्रेस ने लगाई है, वही खबर दूसरे अखबारों ने लगाई है, यानी विश्व हिंदू परिषद का बयान सारे अखबारों में एक्सक्लूसिव छपता है। इसका मतलब यह है कि कौन है जो ये कह रहा है कि यही खबरें जानी हैं, एक साथ जानी हैं और एक जैसी जानी है, चाहे वो चैनलों में जाए चाहे वो अखबारों में जाए। तो इसीलिए आप देखें कि पूरे अयोध्या का कवरेज एक जैसा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल भी धार्मिक कवरेज नहीं है। धार्मिक कवरेज का जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि मान लीजिए हम खबर दिखाते हैं ना, टेलीविजन तो कब से खबर दिखाते हैं, बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, कपाट खुल गए, हाँ, खबर है वो, हाँ। आप बात करते हैं, सब अपना अलग अलग रिपोर्टर भेजे हैं, अलग अलग कवरेज होता है, नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो मंदिरों में रिपोर्टर को, नॉर्मल बात है, बिल्कुल। लेकिन अयोध्या के मामले में हम देखते हैं कि कहीं इसको संगठित तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। और इसके केंद्र में दो बातें हैं, नंबर एक बात है कि 22 जनवरी को इस तरीके का माहौल बनाया जाए जहां हिंदुओं को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो एक पार्टी है जो आपकी पार्टी है, और बाकी लोगों को एक तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को प्रथम नागरिक बनाने की चेष्टा है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात ये कि अगर ये अयोध्या का कवरेज होता तो इसमें अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट होती। अयोध्या में हमने देखा है, कल परसों तस्वीरें आई हैं कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और एक तरीके से बीच में है और अंडर कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, तो फिर कैसे अनुमति दी जा रही है? और ये तो खतरनाक हो सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे, और जब एक तरफ निर्माण भी चल रहा है एक तरफ पूजा हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसे एक राजनीतिक घटना के तौर पर 22 जनवरी को रखा जाएगा और पूरी विशुद्ध रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एक बात और जिसकी तरफ मीडिया कभी नहीं लिखेगा, आप जैसे लोग शायद उस बात को आगे लाएं, इसमें जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनकी सूची जरूर ध्यान से देखिए, उसमें आरएसएस प्रमुख का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से ऊपर है। आरएसएस प्रमुख वहां किस हैसियत से गए, हमें स्पष्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए ना कि क्या ये सरकारी आयोजन है, क्या ये आयोजन सरकार के पैसे से किया जा रहा है, या ये आयोजन निजी पैसे से किया जा रहा है, क्या ये आयोजन आरएसएस कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आरएसएस प्रमुख वहां किस हैसियत से है। आरएसएस प्रमुख राम मंदिर ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जिस ट्रस्ट के जरिए मंदिर बन रहा है वो कहता है तो हम करवा रहे हैं, इन्विटेशन हम करवा रहे हैं, हाँ। तो अब आप जरा सोचिए, ये वो सवाल हैं जो मीडिया को पूछने चाहिए थे कि अगर ये राम मंदिर ट्रस्ट है और जिसको चंदा हम देख रहे हैं 1992 से चंदा मिल रहा है। और एक और बात मैं अपने पाठकों, आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है इसको विदेशी निवेश की, इसको विदेशी चंदे की, माफ कीजिएगा, इसको विदेशी चंदे की अनुमति दी गई है। आप देखें, एक तरफ बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के कल्याण कार्य के लिए काम करती थी, वेलफेयर योजनाएं चलाती थी, उनको बंद कर दिया गया है इसके नाम पर कि आपको विदेशी दानदाताओं से चंदा नहीं लेना है। लेकिन अयोध्या में जिस मंदिर के लिए 1992 से चंदा लिया जा रहा था और अभी पिछले कुछ समय तक चंदा लिया गया है, वो रकम कहाँ गई, वो पैसे कहाँ गए? मीडिया को कुछ इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े टेलीविजन हैं, लेकिन ये अखंड कवरेज दिखा रहे हैं। अखंड कवरेज,
अखंड कवरेज के साथ साथ एक और चीज सर, आपके पूर्व चैनल न्यूज 18 इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दिखाया, और वो प्रोग्राम बीजेपी ने भी रिट्वीट किया। प्रोग्राम था मोदी की 50 साल की राम साधना, और उस प्रोग्राम के जरिए बताने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री मोदी ने 50 साल पहले सौगंध खा ली थी, उन्होंने प्रण ले लिया था कि राम लला को टेंट से निकालकर उनके लिए भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा केंद्र, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन किसकी रखी हुई नींव थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो उस वक्त पीएम सीएम भी नहीं थे, एक कार्यकर्ता के तौर पर उनका योगदान रहा होगा, लेकिन ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं का, कार सेवकों का योगदान था। तो लेकिन आज पूरे के पूरे राम मंदिर की कवरेज को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द बकायदा ये बताकर कि ये पीएम मोदी की 50 साल की साधना है, इसके पीछे का क्या क्या मतलब उद्देश्य आपको लगता है? बिल्कुल, ये बहुत साफ है, जैसा कि हमने शुरू में भी मैंने भी कहा और आपने कहा कि इस पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु और सूत्रधार केवल एक व्यक्ति को बनाया जा रहा है। आप देखें कि ये जो पूरा अभियान था इसमें कौन लोग थे, इसमें इस वक्त अटल जी नहीं हैं, ठीक है, और अटल जी की इसमें क्या भूमिका रही है हम सब जानते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी सबसे बुजुर्ग नेता हैं, इस पूरे भगवा परिवार के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, और मुरली मनोहर जोशी हैं। ये दोनों लोग क्यों नहीं हैं उस आयोजन में, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? कवरेज में भी नहीं है, कोई न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू लेने भी नहीं जा रहा कि भाई आपकी रखी हुई नींव अब मतलब पेड़ बन गई। तो एक रिएक्शन न्यूज इवेंट के इस लिहाज से भी, न्यूज के एक रिएक्शन तो बनता है ना इतने बड़े नेताओं का। बिल्कुल, ये इनको इसलिए कोई बात नहीं कर रहा है, किसी नोएडा के किसी चैनल में ये हिम्मत नहीं है कि वो लाल कृष्ण आडवाणी का और मुरली मनोहर जोशी का इंटरव्यू कर लें और उनसे ही पूछ लें कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो नंबर एक ये कि अगर ये लोग जाते तो मीडिया एकाध फ्रेम तो थोड़ा शिफ्ट करता ना, एकाध बाइट, एकाध हिस्सा तो इन लोगों की तरफ जाता ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनकी टीम बहुत स्पष्ट है कि इस आयोजन का एक एक हिस्सा, एक एक फ्रेम, जिसको हम टेलीविजन में कहते हैं ना, एक सिंगल फ्रेम, एक सिंगल बाइट, केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर पर होनी चाहिए। और इसी तरीके से पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यह मंदिर केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के कारण बना है, जबकि हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो एक बात और समझनी जरूरी है। दूसरी बात जिसका जिक्र बिल्कुल कोई नहीं करता कि अगर प्रधानमंत्री हैं, अगर वहां पर राज्यपाल हैं, अगर वहां पर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं? और क्या ऐसा कि जब संसद का आपने देखा कि चाहे संसद के शिलान्यास की बात हो या संसद में जब नई संसद में वहां उसकी पूजा हो रही है और नई संसद के आमंत्रण बांटे जा रहे हैं, तो वहां पर क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह उनका आदिवासी होना है? क्या है इसकी वजह, हम नहीं जानते, हमको कयास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पत्रकारों का काम है कि वो पूछें कि संसद की इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं के समय पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं, ये कोई नहीं पूछता। और जब आप समावेशी होने की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो क्या आपने उनको इसी के लिए राष्ट्रपति का पद दिया है कि आप जब चाहें बुलाएं, जब चाहें उनका अपमान कर दें? और राम मंदिर के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनको होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता है, मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी ये सवाल पूछा हो कि राष्ट्रपति को वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वहाँ किस हैसियत से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, आरएसएस की भूमिका आजादी की लड़ाई में शून्य है, इस बारे में पर्याप्त हमारे पास सामग्री है। दूसरी बात, जो ये विश्व हिंदू परिषद है, या विश्व हिंदू परिषद की तो कोई भूमिका ही नहीं है, लेकिन जो बजरंग दल जैसे संगठन है या हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा की कोई भूमिका नहीं है। ये सारे लोग अगर आप उस समय देखें तो अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये समझना जरूरी है कि ये कौन से संगठन हैं जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, और अगर ये कहते हैं कि राम मंदिर इनकी कोशिशों से बना है, उसके बनने में इन्होंने भूमिका निभाई है, तो इनको जवाब देना चाहिए कि वहां पर अडवाणी क्यों नहीं है, वहां पर मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं है, और अगर वहां पर प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति क्यों नहीं है। मैं एक बात जोड़ दूं दर्शकों के लिए कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और जब नए तरीके से वहां पर आयोजन किया गया आजादी के बाद, तो उसमें राजेंद्र पटेल, जो माफ कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे कार्यक्रम नहीं सकते, नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत विरोधाभासी बातें हैं जहां आप सुविधा से चीजों को चुन लेते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप चुन लेते हैं। लेकिन तो, सर एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरी पीढ़ी है जो अपनी सारी जानकारी व्हाट्सएप से लेती है, फेसबुक से लेती है, इंस्टाग्राम से लेती है और सोशल मीडिया से लेती है बेसिकली। तो उसके हिसाब से तो उस पीढ़ी, वो पीढ़ी है 20 साल से 22-23 साल की उम्र की, उन्हें कुछ नहीं पता राम मंदिर आंदोलन के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता आडवाणी की रथ यात्रा के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता कार सेवकों के बारे में। उनके हिसाब से जो वो टीवी में देख रहे हैं, वो जो अखबारों में देख रहे हैं, उनके हिसाब से मोदी जी ने ही ये सब कुछ किया है। और वही पीढ़ी है जो उनमें से बहुत सारी जनसंख्या फर्स्ट टाइम वोटर भी होने वाली है 2024 के चुनाव में, तो ये किस तरह का राजनीतिक प्रभाव डालेगा ये जो कवरेज हो रही है उस पर? मैं जैसा हमने अभी बात की थी पहले भी, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं कि एक तो है सरकार, दूसरा मीडिया और तीसरा आईटी सेल। बीते 10 वर्षों में जैसे जैसे सरकार का बहुमत बढ़ता गया, जब मैं बहुमत बढ़ता हुआ कह रहा हूं तो आप देखें कि 2014 और 2019, 2014 में उनको सहयोगी दलों के थोड़े सहयोग की आवश्यकता थी और 2019 में बीजेपी पूरी तरह से अपने विशाल बहुमत के साथ सत्ता में है। तो पहला काम उन्होंने किया मीडिया पर नियंत्रण करने का। आप देखें कि जो एनडीटीवी के खरीदे जाने की कहानी है वो आज़ाद हिंदुस्तान में एक अद्भुत घटना है मीडिया पर कब्जे की। किस तरह से आप एक कंपनी को, कंपनी बिकी नहीं है, कंपनी खरीदी गई है, आपने मजबूर किया है, आपने छल से उस पर नियंत्रण बनाया। किस लिए नियंत्रण बनाया? उसी चीज के लिए जो आप कह रहे हैं कि कैसे उन युवाओं पर, उन युवाओं के दिमाग में एक तरीके का कचरा भरा जाए, उन युवाओं के दिमाग में वही भरा जाए जो आप चाहते हैं। नंबर दो, ये जो आईटी सेल है इसका और मीडिया का गैप खत्म हो गया है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं बचा है। अब ये जो आईटी सेल है, ये जो मैसेज भेजते हैं, ये जो खबरें बनाकर भेजते हैं, हमारा पूरा जो मीडिया है वो उसको फॉलो करता है। बिल्कुल। और अभी अभी दो दिन पहले अमीश देवगन नाम के एक बहुत ही महानुभव एंकर है, उन्होंने ये भी कहा अपने शो में, लाइव डिबेट में, कि जो आदमी राम मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। जी जी, मैं बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, मैं उसी पर आने वाला था। अगर आप मेरे ट्विटर पर देखेंगे तो आपको इसके बारे में मेरी टिप्पणी मिल जाएगी, जो मैंने बहुत स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप राम मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। उनसे पूछना चाहिए कि जब वो कोरोना में पीड़ित थे और जब जीवन और मृत्यु के संघर्ष में थे, तो वो मंदिर गए थे कि वो अस्पताल गए थे? जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो निश्चित रूप से अस्पताल गए थे और वहाँ डॉक्टरों ने उनका जीवन बचाया, तो उन्होंने निश्चित रूप से डॉक्टरों को ही धन्यवाद दिया होगा। उन्होंने मंदिर को धन्यवाद दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो तय जानिए कि उन्होंने डॉक्टरों को बहुत अच्छे से धन्यवाद दिया था और बहुत सारे लोगों को ये कहा था कि इस अस्पताल में इलाज ठीक होता है और यहाँ जाना। लेकिन सर ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये हमारे देश के न्यूज चैनल्स के संपादक या अखबारों के संपादक तो जानते हैं, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सबको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें तो वो सब जानते हैं ना, तो मतलब ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। बिल्कुल, ये सब जानबूझकर हो रहा है और मीडिया पूरा नियंत्रण में है, ऐसे समझिए ना। आप देखिए कि पूरे मीडिया को अगर हम बहुत सरलता से समझें कि उस पर नियंत्रण किसका है, हम जानते हैं कि इस वक्त देश में दो पूंजीपतियों
का एक वर्चस्व है। तो मीडिया मुगल कह लीजिए आप उन्हें, मीडिया मुगल कह लीजिए। आप जरा आर्थिक मामलों के कोई किसी सामान्य अखबार को भी अगर आप रोज देखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि उसमें किस तरीके की विश्लेषण आ रहे हैं, या आप समझ सकते हैं गूगल पर जाके या सेबी की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के जितने मीडिया चैनल हैं उसमें दो ही उद्योगपतियों का किसी ना किसी रूप में निवेश है। आप देखिए कि NDTV किसके पास है, आप देखें कि नेटवर्क 18 किसके पास है। तो NDTV लेके आपने वो जो दर्शक बचे थे जो आपके साथ नहीं थे किसी ना किसी रूप में, आपने उनके दिमागों तक पहुंचने की एक बिल्कुल सफल वहां चेष्टा कर ली, एक कोशिश कर ली कि आप कैसे उन पर नियंत्रण बनाएंगे। और नेटवर्क 18 के माध्यम से आप हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा घरों तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उसके बाद आप देखिए जो बाकी जो मीडिया चैनल हैं उनका कवरेज देखिए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जी न्यूज का जिक्र अक्सर होता है कि उसके कवरेज को लेके कि उसका कवरेज कैसे दुराग्रहपूर्ण है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए कि जी न्यूज के मालिकान पर कितना कर्जा था और उस कर्जे में से 5,000 करोड़ माफ कर दिए गए। ये जो 5,000 करोड़ हैं, ये किसी भी न्यूज चैनल की एक साल का जो वेतन है, एक साल का आय है, उससे बड़ी भारी रकम है। 5,000 करोड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप देखें 5,000 करोड़ का कर्जा जब माफ हो जाता है तो इसीलिए तो वो कवरेज चलाते हैं। इसीलिए जी न्यूज राहुल गांधी पर एक खबर चलाते हैं, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी के वायनाड के बिल्कुल वहाँ तोड़फोड़ होती है, और उसी के आसपास एक घटना राजस्थान में घटती है जब कन्हैया लाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, और राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि वायनाड में जो कुछ हुआ वो लड़कों की गलती थी, उनको माफ कर दिया चाहिए। और जी न्यूज के एंकर ये चलाते हैं अपने प्राइम टाइम के शो में कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कन्हैया लाल के हत्यारों को माफ कर दिया जाना चाहिए। बाद में क्या होता है, बाद में वही लोग चलाते हैं कि देखिए कांग्रेस हमसे गलती हो गई, परेशान कर एक दिन बाद गलती पर माफी मांगते हैं, और उसके बाद जब उस पर उन पर केस होता है तो एंकर अंडरग्राउंड हो जाता है। और जब उसकी माफी मांगते हैं तो क्या उस माफी को बीजेपी रिट्वीट करती है, क्या आईटी सेल जो व्हाट्सएप से सारी जगह ये पहुंचा चुकी है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, क्या वो माफी पहुंचाते हैं? नहीं। हमारे भारत में जो डिजिटल या इसको लेकर के जो डिजिटल और टीवी को लेकर जो नियम कानून है उनमें बहुत सारा स्पेस अभी बताना बाकी है। और सच पूछिए तो पत्रकारिता बहुत सारे नियमों से नहीं चलती, पत्रकारिता मर्यादा से चलती है, पत्रकारिता एथिक्स से चलती है। हर चीज के लिए हो सकते ना कि आपने मुझे फोन किया कि आपसे बात करनी है तो मैं और आप 10 बिंदुओं पर तो साइन नहीं करेंगे ना, हम एक पत्रकारी मर्यादा के तहत बात करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कि एक तरफ किसका कब्जा है, दूसरी तरफ जी न्यूज जैसी संस्थाएं हैं जो 5,000 करोड़ का लोन अपना कर्जा माफ करा लेते हैं, तो जाहिर है उनकी निष्ठा किस तरफ होगी आप समझ सकते हैं। एक सवाल मीडिया से इतर है और आखिरी सवाल, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर आपका। अभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी तैयारियां करें, लेकिन किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी ना करें, बचे बयानबाजी करने से, जिससे कि जाहिर तौर पर माहौल खराब ना होने की चेतावनी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान को उनके कैबिनेट मंत्रियों को जो उन्होंने नसीहत दी, किस तरह से लेते हैं? देखिए इस वक्त हिंदुस्तान में सूत्र जर्नलिज्म चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब इतने बड़े बड़े चैनल हैं, ये जिन कंपनियों के अभी हम नाम ले रहे हैं उनमें रिपोर्टरों की देखिए कितने शूरवीर, कितने महारथी रिपोर्टर हैं जिनको बताया जाता है कि 20-20 साल से PMO कवर कर रहे हैं, उनको भी खबर सूत्र से चलानी पड़ती है। और ये जो सूत्र है ये बहुत काम की चीज होती है सरकार के लिए कि जब चाहें इसका उपयोग अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर ये सीधे सीधे चला देते कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भड़काऊ बयान नहीं देना है तो क्या होता, इसमें कोई समस्या थी क्या? लेकिन जाहिर है जब वो ऐसा कहते तो ये जो बजरंग दल जैसे संगठन है, बीहिप जैसे संगठन है जो सबसे ज्यादा
सांप्रदायिकता को हवा देने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। और जो न्यूज चैनल के एंकर हैं, मैं किसी एंकर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए कि रात दिन वो क्या कर रहे हैं, उन सबको बड़ी निराशा होती है, वो सब दुखी हो जाते हैं। भाजपा कार्यकर्ता जो लगातार बयान दे रहे हैं फेसबुक पर, जो, और आप देखिए कि मंत्री कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को 22 जनवरी को इतनी बार जय श्री राम कहना चाहिए। आप बताइए, ये बयान देने चाहिए क्या? किसी हिंदू को अल्लाह अकबर कहना चाहिए, कितनी बार कहना चाहिए? अगर ये कोई आज बयान दे दे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें सूत्र की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री के इस कदम की हमें सराहना करनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो, लेकिन मुझे इसमें ये संदेह है कि इसमें सूत्र की क्या जरूरत है। सीधे सीधे उनको ये बात कहनी चाहिए कि मंदिर अदालत में निर्णय हुआ, मंदिर बन गया, ठीक है, अब उसमें राजनीति कैसी, उसमें बयानबाजी कैसी? और अगर प्रधानमंत्री जानते हैं कि कौन भड़काऊ बयान दे रहा है तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? अगर केंद्रीय मंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं और सरकार चुपचाप सुन रही है, देख रही है, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। जब मंत्रियों पर हम लगाम नहीं लगाएंगे सांप्रदायिकता के लिए, भड़काऊ बयान के लिए, तो फिर क्या होगा? और ये सब इसलिए हो रहा है कि मीडिया उनके कब्जे में है और मीडिया वही दिखाता है जो सरकार चाहती है, इसीलिए मीडिया पर नियंत्रण किया गया। दरअसल मीडिया पर नियंत्रण का अर्थ है, बड़े सरल शब्दों में, लोगों के दिमागों पर कब्जा। लोगों के दिमाग आपके कब्जे में आ गए। अब आप, जैसा आपने बहुत ठीक कहा कि जो इस वक्त 20 से 25 साल के की हमारी जो पीढ़ी है, और बिल्कुल एकदम अभी अभी या तो पढ़ाई में है या पढ़ाई पार करके निकले हैं, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही इस दुनिया में आए हैं या उनका जन्म उसके आसपास हुआ है, जिनको, जिन तक कोई इतिहास नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जिन तक टीवी चैनल पहुंच पा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जिन तक डिजिटल पहुंच रहा है, तो उन सबसे बार 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 एक ही बात जब जाएगी तो वो दिमागों में असर डालती है। तो मीडिया पर सरकार ने कब्जा ही इसलिए किया ताकि वो लोगों के दिमागों पर कब्जा कर पाए। अब ये नागरिकों को सोचना है, चलिए एक घर में ऐसा तो नहीं है कि केवल 25 साल की उम्र के ही लोग हैं ना, एक घर में 45 वर्ष के भी लोग हैं, 55 के भी हैं, 75 के भी हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के उनको बताना चाहिए। वो वोट किसी को भी दे, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप वोट किसी को भी दीजिए, अपनी अक्ल का टेंडर किसी को मत दीजिए। आप वोट दे दीजिए मर्जी जिसको देना हो, लेकिन अपनी अक्ल का टेंडर मत दीजिए। अपनी अक्ल के दरवाजे, विवेक अपने पास रखिए। जब भी कोई टीवी चैनल, जब भी सरकार कोई बयान जारी करे, तो ये देखें कि क्या ये लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा के अनुकूल है। जी, एक और बात मैं केवल इतनी कह दूं कि बहुत सारी बात अभी हमने की, लेकिन एक जरूरी बात जो इसमें होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि बिल्किस बानो का मामला कल हमने देखा, उनके केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही है, ऐतिहासिक निर्णय दिया है, और सभी उनसे बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के आरोपियों को वापस जेल में भेजने की बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ने उनसे झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज के अखबार पढ़िए, उसमें लिखा है कि गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार ने हमें गलत जानकारी दी और गुजरात सरकार ने हमसे झूठ कहा। अब सरकारें जब सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही हैं, और बिल्किस बानो कौन है? क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जैसी बेटी कुमकुम है वैसी ही बेटी बिल्किस भी है। तो अगर आप एक बेटी में अंतर करेंगे तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। इस वक्त जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब BHU के कैंपस में सरेआम बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और उसके आरोपी उनकी पार्टी के लोग हैं, तब वो क्या करते हैं? और बिल्किस बानो के मामले में कैसा निर्णय आता है, सरकार क्या निर्णय करती है? और जब सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे बिल्किस बानो से, इस देश की बेटियों से?
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दयाशंकर सर, आप जुड़े मेरे साथ। और क्योंकि BHU का जिक्र आपने किया तो BHU के पूरे मामले को मैंने बहुत गहनता से अपने चैनल में कवर किया और हैरान थी मैं जानकर कि तमाम न्यूज चैनल्स में, ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने खबर दिखाई लेकिन ये छुपा दिया कि आरोपी BJP IT सेल के मेंबर है, केवल उनका नाम दिखाया गया। इससे शर्मनाक न्यूज चैनल्स में कभी नहीं हुआ था। आज से पहले मैंने देखा था कि विक्टिम की पहचान छुपाई जाती है लेकिन अब आरोपियों की पहचान छुपाई जा रही क्योंकि वो BJP के मेंबर थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए जी, धन्यवाद।